मुबारक सानी केस के नजरसानी फैसले में तरमीम की दरख्वास्त पर समाअत। मौलाना फजलुर्रहमान ने हाफिज एहसान की तजवीज़ की हिमायत कर दी। कहा बेहतर होगा 6 फरवरी का मुकम्मल इबहाम दूर किया जाए। क्या बाकी उलमा भी इस राय से मुत्तफिक हैं? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इस्तफसार। कमरा अदालत में मौजूद तमाम उलमा ने हाथ उठाकर तायद कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने फैसले के पैराग्राफ 7 और 42 को मुकम्मल हजफ करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा इंसान खता का पुतला है, अगर हमारे फैसले में कोई गलती है तो जरूर तसहीह करेंगे। रानीपुर पीर की हवेली में कमसिन फातिमा के कत्ल केस में नया मोड़। सेशन कोर्ट की मुकदमा चलाने से माजरा। सिंध हाई कोर्ट को रेफरेंस अरसाल। केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल करने की सिफारिश। फातिमा की वालदा की अदालत से इंसाफ की फराहमी की इस्तदा। कहा मुलजिमान ने हमारे गवाहों को खरीद लिया। फातिमा के लिबास और CCTV फुटेज नहीं दी गई। हमारा वकील पेशी पर नहीं आता, दूसरे वकला के साथ मुकदमा लड़ेंगे। अलीमा खान तरनोल जलसा मुलतवी होने पर आजम सवाती और बैरिस्टर गोहर पर बरहम। कहा आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उन्होंने जलसे का फैसला क्यों नहीं किया? कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी PTI से फैसला करवा दिया। और रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहले इनिंग 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171, साउथ शकील 141 रन के साथ नुमाया। साइम अयूब के 56 रन, बांग्लादेश के शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद की 2-2 विकेटें।